कल राहुल गांधी ने एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी, आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। This campaign is based upon falsehood, misrepresentation and deliberate twisting of facts. पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि तो चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप की फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं, कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 343,562 लोग मरे हैं। आउट ऑफ दीज 15 कंट्रीज हैविंग 1.2 करोड़ पॉपुलेशन afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 343,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 343,562, भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है, ये उनको समझने की जरूरत है। झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड दैट वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इट्स एक्सेलेंट रिजल्ट इन टैकलिंग कोविड-19। और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया, वो भी अखबार में छपा है, फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड,
मलमपुरम एर्नाकुलम एक्सेट्रा है। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है तो उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो उन्होंने कल कहा पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप? या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते?